देखो लास्ट क्लास में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स किया था ना, आज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। पहले सुनो, बाद में नोट्स वन बाय वन लिखता हूं, क्योंकि बता देना लॉजिक के हिसाब से जाना। एक ऑर्डर में पड़ेगा, सेमीकंडक्टर डिवाइस को अलग से पढ़ाई करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सुनो, इंट्रिंसिक मतलब प्योर फॉर्म, डायरेक्टली नेचर में जैसा अवेलेबल हो रहा है वैसा इंट्रिंसिक। उधर कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या किया था हम लोग, टेम्परेचर को इंक्रीज किया है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी इंक्रीज हुआ है इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स के केसेस। मगर अभी एक्सट्रिंसिक क्यों करना है ना, हर बार हर एक केस में टेम्परेचर इंक्रीज करना इतना करेक्ट मेथड नहीं है, क्योंकि कुछ डिवाइसेस बहुत सेंसिटिव रहेगा, छोटा डिवाइसेस है सेंसिटिव, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाए तो फ्यूज हो जाएगा, मेल्ट हो जाता है। इसीलिए ना हर बार टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वो ऑप्शन इतना करेक्ट नहीं है। तो फिर भी अपने को कंडक्टिविटी बढ़ाना है, टेम्परेचर बेटर ऑप्शन नहीं है, फिर भी कंडक्टिविटी को बढ़ाना है, तो उस केस में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आएगा। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर्टिफिशियल, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स नेचुरल। इंट्रिंसिक नेचुरल, एक्सट्रिंसिक आर्टिफिशियल। ये क्या रहता है इसमें, आर्टिफिशियल में कंडक्टिविटी बढ़ाना है, वो भी टेम्परेचर यूज करके नहीं। तो क्या करता है हम लोग, इम्प्यूरिटीज को ऐड करना, इम्प्यूरिटीज को ऐड करना। तो इम्प्यूरिटी ऐड किया है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स फॉर्म होगा। मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को अगर इम्प्यूरिटीज ऐड किया है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स फॉर्म होगा। ये जो प्रोसेस है, इम्प्यूरिटीज ऐड करने का जो प्रोसेस है, वही डोपिंग। डोपिंग इज DOPING, डोपिंग इज प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटीज। डोपिंग इज प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटीज। इम्प्यूरिटीज ऐड करने का प्रोसेस डोपिंग रहेगा, और इम्प्यूरिटीज ऐड करने से कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। कंडक्टिविटी इंक्रीज मतलब दो मेथड से अपने को सेमीकंडक्टर्स का कंडक्टिविटी इंक्रीज करना, एक टेम्परेचर इंक्रीज और एक इम्प्यूरिटी का एडिशन। दोनों में बेस्ट मेथड एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी, क्योंकि टेम्परेचर हर बार इंक्रीज नहीं करना चाहिए।
ये देखो, ये पॉइंट्स पढ़ेगा ना, अभी तक जो मैं बताया वो समझ में आ जाएगा। कंडक्टिविटी इंक्रीज करने का दो मेथड्स, एक टेम्परेचर इंक्रीज करना और एक इंप्यूरिटी ऐड करना। दोनों में एडिशन ऑफ इंप्यूरिटीज प्रिफर्ड मेथड। प्रोसेस डोपिंग, इंप्यूरिटी ऐड करने से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के जैसा कन्वर्ट होगा। तो ये पॉइंट और क्लियरली देखेगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी ज्यादा रहेगा। ये देखो, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी से ज्यादा है। समझ गया ना? अब सुनो, इसमें क्लियरली देखेगा, सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन भी आ जाएगा। टेम्परेचर अगर नहीं बढ़ाया हमने, टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं किया है, वो इलेक्ट्रॉन मूव होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं होगा, करंट पास भी नहीं होगा। तब जीरो केल्विन के पास, जीरो केल्विन के पास तब नो टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉन डज नॉट मूव, करंट डज नॉट फ्लो, इंसुलेटर के जैसा बिहेव करेगा। बाकी सभी टेम्परेचर्स में इलेक्ट्रॉन्स का मोशन रहेगा, करंट पास होगा, कंडक्टर के जैसा बिहेवियर होगा। सुनो फिर से बता रहा हूं, इंट्रिंसिक का या तो कोई भी सेमीकंडक्टर में कैसा है, टेम्परेचर इंक्रीज करना तब इलेक्ट्रॉन मूव होगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड को। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, करंट पास होगा और कंडक्टर के जैसे बिहेव करेगा। जीरो केल्विन टेम्परेचर लिया है समझो हम लोग, टेम्परेचर ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं होगा, करंट भी पास नहीं होगा। तो जीरो केल्विन के पास सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के जैसे बिहेव करेगा और बाकी टेम्परेचर्स में सेमीकंडक्टर कंडक्टर की जैसा बिहेव करेगा। जीरो केल्विन के पास सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के जैसे बिहेव करेगा, बाकी सब टेम्परेचर्स में सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज कंडक्टर। तो अभी अपने को थ्री टाइप्स कंडक्टर इंसुलेटर सेमीकंडक्टर्स के डेफिनेशंस भी आ गया है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या, ये पता है। तब हम लोग को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ना। सुनो,
एक्सट्रिंसिक, फिर से पहले जैसा सब बताता हूं, बाद में पॉइंट वाइज देखता हूं, तो तुम लोग को दो बार प्रैक्टिस के जैसा होगा। पढ़ाई करने का तरीका यही ऐसे नहीं करना कसमें, इसलिए ऐसा मेथड फॉलो कर रहे हम लोग। सुनो, एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर मतलब इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर को इंप्योरिटी ऐड करना। जो टाइप का इंप्योरिटी ऐड कर रहा है उसके ऊपर बेस होके एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स दो टाइप्स का, बेसिंग ऑन टाइप ऑफ इंप्योरिटी। सुनो, बेसिंग ऑन टाइप ऑफ इंप्योरिटी, टू टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। जो टाइप का इंप्योरिटी हम लोग ऐड कर रहा था उसके ऊपर डिपेंड होके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स दो टाइप्स का रहेगा, एक पी टाइप और एक एन टाइप। वो क्या रहता मैं बताऊंगा, पहले सुनो। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम सिलिकॉन टेट्रावेलेंट, कार्बन ग्रुप का वैलेंसी 4, जर्मेनियम सिलिकॉन टेट्रावेलेंट वैलेंसी 4, ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज, ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट मतलब एल्यूमिनियम, थैलियम, इंडियम, ऐसा ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज, ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज को ऐड किया है समझो, एल्यूमिनियम ग्रुप का, एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम, तो ये ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज ऐड किया है समझो। टेट्रावेलेंट जर्मेनियम ना ट्राइवेलेंट, थ्री फिल होगा एक वैकेंसी बचेगा, थ्री फिल होगा एक वैकेंसी बचेगा, वैकेंसी होल मतलब एक्स्ट्रा होल आएगा, होल पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट लेटर पी, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, समझ गया ना। सुनो फिर से बता दो, जर्मेनियम सिलिकॉन से दो सेमीकंडक्टर से टेट्रावेलेंट मतलब वैलेंसी 4, 4 बॉन्ड्स फॉर्म हो सकते हैं। मैं ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी को ऐड किया, ट्राइवेलेंट एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम, ऐसा टैलियम, ये ऐड किया था मैंने, थ्री वैलेंसी, थ्री बॉन्ड्स फॉर्म होगा, एक बार वैकेंसी बचाए अपने को, तो वैकेंसी होल, होल पॉजिटिव चार्ज, पी टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज को ऐड करना। तो ऐसा नंबर ऑफ इंप्यूरिटीज बढ़ाया है, होल्स भी बढ़ जाएगा, तो पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स। सुनो इधर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, मैं दो पॉइंट भी लिखेंगे, बेसिंग ऑन टाइप ऑफ इंप्यूरिटी।
टाइप ऑफ इंप्योरिटी के ऊपर बेस करके। देखो ट्राइवेलेंट एल्यूमिनियम इंडियम गैलियम कैलियम ये सब जर्मेनियम के ट्राइवेलेंट पी टाइप फोर वैलेंसी ट्राइवेलेंट वेकेंसी होल होल मतलब पॉजिटिव चार्ज पी टाइप सेमी कंडक्टर फॉर्म होगा। समझ गया ना पी टाइप। तो पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स। होल्स का नंबर ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होगा। ऐसा एनएच ग्रेटर देन एनी इंट्रेंसिक में दोनों सेम रहेगा एक्सट्रेंसिक में एक का वैल्यू ज्यादा होगा। और होल्स ज्यादा है बोल के पॉजिटिव चार्ज नहीं है पी टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पी टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सुनो लॉजिक बताता हूं मैं केमिस्ट्री का बेसिक। कभी भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना है समझो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने से पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया है नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना। इधर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को ऐड नहीं किया है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव ही नहीं किया है सिर्फ इम्प्यूरिटी को ऐड किया है इसलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यू इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब होल्स आर नॉट ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट ड्यू टू एडिशन ऑफ इंप्योरिटीज। तो एनएच और एनई अलग अलग है ना तो प्रॉब्लम्स के लिए ये रिलेशन डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है सिर्फ फार्मूला एन आई स्क्वायर इक्वल टू
n e into n h, n i intrinsic carrier concentration, n e मतलब number of holes, n h मतलब number of electrons, so n e number of electrons, n h number of holes, n i intrinsic carrier concentration, ये p type semiconductor का सेम वही n type semiconductor को, n type semiconductor को है ना trivalent की जगह pentavalent, five valent से आएगा, pentavalent impurities मतलब ये four fill होके एक एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, n type semiconductor, p type के लिए trivalent, n type के लिए pentavalent, pentavalent मतलब phosphorus, nitrogen, phosphorus, arsenic, वो सब रहेगा आपने को, उधर majority charge carriers electrons, minority charge carriers holes, वो भी electrically neutral है, सब points आएगा, वो अभी लिखेंगे n type semiconductor, देखो n type semiconductor का पहले मैं एक बार लिखता हूँ, बताया ना मैंने, एक बार लिखता हूँ तब तुम लोग क्रॉस चेक करना, फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ तुम लोग का क्लैरिटी आ जाएगा। ये देखो जर्मेनियम टेट्रावेलेंट पेंटावेलेंट फाइव फिल होके एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, एन एन टाइप सेमीकंडक्टर, ट्राइवेलेंट पी टाइप पेंटावेलेंट एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स, minority charge carriers electrons, majority charge carriers, इधर भी है ना n type electrically neutral, क्योंकि हम लोग electrons को add नहीं किया है, impurities को add किया था, impurities को add किया है जिसकी वजह से electrons बढ़ गया है, इसलिए n type semiconductor electrically neutral।
इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को ऐड नहीं कर रहे हम लोग, इंप्यूरिटीज को ऐड कर रहे हैं। इधर भी प्रॉब्लम्स के लिए Ni2 वही रिलेशन रहेगा। Ni मतलब इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Nh नंबर ऑफ होल्स, I ये अपने को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का, p टाइप n टाइप। अब बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स में एक पॉइंट बचा बोल के बताता ना, वो इधर आएगा, वो है फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल मतलब जीरो केल्विन के पास, जीरो केल्विन टेम्परेचर के पास जो एनर्जी लेवल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेगा वही फर्मी एनर्जी लेवल। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल एट जीरो केल्विन, फर्मी एनर्जी लेवल इज दी एनर्जी लेवल दैट इज हाईली ऑक्यूपाइड एट जीरो केल्विन। जीरो केल्विन के पास जो एनर्जी लेवल हाईली ऑक्यूपाइड है वही फर्मी एनर्जी लेवल होगा। इसका पोजीशन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का नंबर सेम है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में रहेगा, फर्मी एनर्जी लेवल इन बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप होल्स का नंबर ज्यादा है, होल्स रहेगा वैलेंस बैंड में, नियरर टू वैलेंस बैंड, एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा है, नियरर टू कंडक्शन बैंड, इसको बाय हार्ट नहीं करना, इंट्रिंसिक दोनों सेम है, दोनों के बीच में रहेगा। पी टाइप होल्स ज्यादा है, नियरर टू वैलेंस बैंड, एन टाइप इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नियरर टू कंडक्शन बैंड। ये अपने को सब सेमी कंडक्टर्स का टाइप से सब, तो सब एक बार पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास में। कॉम्बिनेशंस भी सिंगल पढ़ा था ना, बाद में कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ाई करेंगे।